बांदा से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान टीचर ने की खुदकुशी की कोशिश। तो गैलन में पेट्रोल लेकर पहुंची डीएम ऑफिस, दो महीने से टीचर को वेतन नहीं मिला है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक, तो समस्या का जल्द समाधान का आश्वासन यहां पर दिया गया है। तो महिला टीचर की तरफ से आत्मदाह की यहां पर कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि महिला को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है। कोटियारिया साहब को बुलवाइए, रुपेश पाठक, राजेश द्विवेदी, मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा। लॉकडाउन की वजह से मैं एक एक पैसे के लिए परेशान हो गई हूँ। ये कट्टी में क्या लिए? मैं पेट्रोल ली हूँ, मैं आग लगा लूंगी। मैं इतने दिन से इन लोगों को काम के लिए व्हाट्सएप सबको ग्रुप में सब अधिकारी जुड़े हुए हैं, कोई नहीं मेरी बात का ध्यान दे रहा है। मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का, उसकी भी तबीयत खराब है। तो आर्थिक तंगी से परेशान है। मैं आग लगा लूंगी आज, मैं 2 महीने से परेशान हूँ, मेरी वेतन नहीं आ रही है, जबकि मैं हर काम समय से करके देती हूँ। ग्रुप में आप एक एक डेट की निकलवा लीजिए, सबसे पहले मेरा लेटर बन के पहुँचता है। ना कोई स्कूल में बाबू है, ना कोई चपरासी है, पूरा काम अपने दम पे करती हूँ मैं। उसके बाद भी आपका वेतन नहीं निकाला? तो भी मुझे को परेशान किया जा रहा है। ये क्या लेके आई थी? मैं पेट्रोल लिए हूँ, मैं आग लगा लूंगी अगर आज मेरी बात नहीं सुनी गई। कहाँ पे आई थी? मैं डीएम साहब से मिलने आई हूँ। क्या हुआ, मिली है? अभी नहीं मिल पाया, मैंने उस दिन व्हाट्सएप किया था, प्रकाश द्विवेदी जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका वेतन आ जाएगा। फिर भी बाबू और डीआईएस बात नहीं मान रहे हैं। कोई वजह नहीं है इनको, बाबू लोगों से कुछ परेशानी है, जिसको कि इन्होंने मुझे नहीं बताया। बताया भी तो हम कह दिए कि भाई अगले महीने में निकल जाएगा, पूछ लीजिए। मैं इनसे कह दिया हूँ कि अगले महीना मैं इसे निकाल दूंगा, मार्च महीने का वेतन, अप्रैल पेड इन मई, अभी वेतन जो है बन रहा है, बनने जा रहा है, मैं निकलवा दूँ। फरवरी और मार्च माह का वेतन अभी तक नहीं निकाला गया, परिवार का कच्चा। मार्च महीने का वेतन चला गया है, इनका वेतन अब क्या कहते हैं इलाहाबाद बैंक का शायद जो है उसमें हो गया है, इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है ना, इस कारण से जिस जिन लोगों का जो है वेतन इलाहाबाद बैंक में है वो रिजेक्ट होके आरबीआई के खाते में चला गया है। उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, हम एप्लीकेशन लेते हैं, फिर जब उसको कर देते हैं तो हो जाता है टेक्निकल फाट के। मनीष, बांदा से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, क्योंकि सीएम के सख्त निर्देश हैं कि जो वॉरियर्स उनको वेतन यहां पर दिया जाए, लेकिन आर्थिक तंगी से परेशान टीचर ने खुदकुशी की कोशिश की। आरोप है कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला, तो लगता है संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। तो टीचर ने आत्मदाह की कोशिश की, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गैलन में पेट्रोल लेकर किस तरह से डीएम आवास के बाहर बैठी रोती बलकती ये महिला टीचर। आरोप है कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो समस्या के हालांकि जल्द समाधान का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। और एक बार फिर से रुक करेंगे मनीष का। मनीष, सीएम के सख्त निर्देश है कि वेतन लोगों को टाइम पर दिया जाए, लेकिन बांदा से बेहद हैरान करने वाला यहां पर मामला सामने आया, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान डीएम ऑफिस पहुंची आत्मदाह करने की कोशिश महिला टीचर की तरफ से। आरोप, दो महीने से वेतन नहीं मिला है। जी आसमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल शिक्षिका ने पेट्रोल लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया, ये एक बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि सभी को समय पर वेतन दिया जाए, ऐसे हालातों में लॉकडाउन के चलते हुए एक महिला आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, जिससे वो परेशान आहत होकर जिलाधिकारी कार्यालय में आत्मदाह करने आए। बिल्कुल, अब जो इस तरह से यहाँ पर आश्वासन जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से दिया गया, इसको लेकर महिला टीचर का क्या कुछ कहना है, क्या वो संतुष्ट? जिला विद्यालय निरीक्षक ने उसको आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई करूंगा, जो भी बाबू आपने को परेशान किया उसको मैं सीट से हटा दूंगा और आपका काम जल्दी करा जाएगा, बजट आएगा, आपका वेतन दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के आश्वासन देने से उस महिला का काम नहीं चलेगा। महिला से जब हम लोगों ने बात किया तो महिला बोली कि जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, अगर काम मेरा नहीं होता तो मैं दोबारा आत्मदाह करने का प्रयास करूंगी। बिल्कुल शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।